वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे आटे का डोसा। जी हाँ, व्हीट डोसा, जो कि इंस्टेंट होता है और इसमें किसी भी तरह के कोई भी दाल चावल कुछ भी पीसने का भिगोने का झंझट नहीं रहता और ना इसे फर्मेंटेशन करने का में परेशानी होती है। तो मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ वाला रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इसके लिए सामान नोट डाउन कर लीजिए। मैंने यहाँ पर आटा लिया है, ये वही रेगुलर आटा है जो कि हम लोग डेली घर में यूज करते हैं रोटी पराठे बनाने के लिए, गेहूं का आटा। इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है, शुगर है, चीनी, सेमोलिना ली है, सूजी। यहाँ पर मैंने बिल्कुल फाइन वाली सूजी का यूज किया है, लेकिन अगर आपके पास फाइन वाली सूजी नहीं, एकदम महीन सूजी नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा मिक्सी में पीस लीजिए, एकदम फाइन बना लीजिए इसे आप। कर लेंगे दही, सॉल्ट है, नमक। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आटा लिया है, इसको अच्छे से छान लिया है। इसमें अब हम नमक डालेंगे, चीनी डालेंगे, सूजी और दही भी डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। देखिए सब चीजें हमने मिला ली हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक इसका बैटर बनाना है, हमें इसका लम्प फ्री बैटर बनाना है। तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे, बिल्कुल एकदम एक साथ पानी नहीं डालेंगे वरना इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। और ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस टाइप की होनी चाहिए, एकदम फ्लोइंग वाली, लेकिन ज्यादा भी रनिंग भी नहीं होनी चाहिए, एकदम जैसे पानी की तरह से, क्योंकि उसमें फिर बैटर आपको फैलाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और इतना बैटर बनाने में ये मेजरिंग कप का मेरा तकरीबन 1.5 कप पानी लगा है। तो अब इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की है तो सूजी को फूलने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इसे कवर करके रख देंगे और तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसकी फिलिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं, पोटैटोज, इसको अच्छे से बॉईल करने के बाद में मैश कर लिया है। अनियंस लेंगे, प्याज, ग्रीन चिली है, हरी मिर्च, जिंजर है, अदरक, अदरक को मैंने बारीक कट कर लिया है और प्याज और हरी मिर्च को भी मैंने थोड़ा मोटा मोटा एकदम रफली सा कट करा है और हरी मिर्चों को बारीक चॉप कर लिया है। कुछ पाउडर मसालों का यूज करेंगे हम, रेड चिली पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है, सॉल्ट है, नमक, टर्मरिक पाउडर है, हल्दी पाउडर। और इसका तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर जीरा लिया है, क्यूमन सीड्स, राई ली है, मस्टर्ड सीड्स, हींग है, असाफोटिडा, करी लीव्स है। यहाँ पर मेरे पास ड्राई करी लीव्स थे, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी चना दाल लेंगे, ये थोड़ी उड़द की दाल है। तो चलिए इसका आलू का मिक्सचर बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसका मिक्सचर बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसको गैस पे रख दिया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम। और ये देखिए ऑयल मैंने डाल दिया है, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें जितना भी ये तड़के वाला सामान था ये हम सब डाल देंगे इसमें। ये देखिए मैंने इसमें सब तड़के वाला सामान डाल दिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे रखेंगे जैसे जो हमने राई और हमने इसमें डाली है वो थोड़ी सी क्रैकल होने लगे। देखिए राई क्रैकल होने लगी। अब इसमें ये प्याज, हरी मिर्च, अदरक हम डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए ये प्याज थोड़ी सी बस सॉफ्ट हो गई, इससे ज्यादा सॉफ्ट हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी क्रंची सी होती है तभी इसका टेस्ट आता है। तो अब इसमें हम ये पाउडर मसाले डाल देंगे, इसको भी प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें मैश किए हुए आलू हम डाल देंगे, इसको भी मसाले में मिक्स कर देंगे हम। फ्लेम हमने लो टू मीडियम के बीच में कर रखी है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। और ये देखिए आलू का मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये ड्राई हो गया है, अब इसके लिए हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, 2 टेबल स्पून के जितना। देखिए पानी को आलू को में अच्छे से मिक्स कर देंगे हम, ये देखिए। और इसको कवर करके रख देंगे हम तकरीबन 2 मिनट के लिए बस। और ये देखिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं, सब चीज अच्छे से मिक्स हो गई है, बहुत बढ़िया फीलिंग बनके तैयार हुई है। अब इसको फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अब डोसा बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए आटे का बैटर भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए,
ये थोड़ी और थिक हो गई है, जितनी हमें चाहिए थी ये उतनी ही हो गई है। अब हमें इसमें ये इनो इनो मिलानी है, ये देखिए। तो इसके लिए इतने बैटर में एक इनो का सैशी पूरा जाएगा, लेकिन मुझे ये पूरा बैटर अभी नहीं बनाना है, मैं इसमें से हाफ बनाऊंगी। तो मैं इसमें से हाफ ले लेती हूँ ये बैटर। देखिए मैंने बैटर को हाफ कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी सारा नहीं बनाना है। तो इसमें से आधा सैशे मैं इसमें डालूंगी इनो का। और ये देखिए इसमें वन ड्रॉप के जितना बस थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, इसे जल्दी से मिक्स करेंगे हम। और इनो डालने के बाद में आप देखेंगे कि ये बैटर बिल्कुल हल्का हो गया, एकदम लाइट हो गया है। तो अब ये डोसा बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम डोसा बनाना शुरू करते हैं। बस इस बात का आप ध्यान रखिए कि इनो मिलाने के बाद में इस बैटर को ज्यादा देर हमें रखना नहीं है, इसको फौरन ही यूज कर लेना है इस बैटर को। जैसे डोसा बनाने के लिए मैंने तवे को गैस पर रख दिया और ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। पहले हमने फ्लेम को बिल्कुल हाई पे करके इसे गर्म करा है, और अब इसको टेम्परेचर लो करने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कर दिया, जिससे ये ज्यादा गर्म नहीं हो जाए। और इसके चारों तरफ हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे। और ऑयल लगाने के बाद में टिश्यू पेपर से या किचन टॉवल से इसे अच्छे से हम पोंछ देंगे, जिससे इसके ऊपर ऑयल नहीं रह जाए, बस ये थोड़ा सा इसकी सीजनिंग हो जाए तवे की। देखिए तवा अच्छे से सीजनिंग हो गई है इसकी। अब एक बड़े से चम्मच में एक लैडल में हम फुल भर के बैटर का लेंगे, जितना बड़ा आपको बनाना है, बड़ा या छोटा ये बनाना है। इसका डालने के बाद में इसे एक ही डायरेक्शन में हम इसे ऐसे घुमाते रहेंगे क्लॉकवाइज। जितना बड़ा भी आपको बैटर डोसा बनाना है, उतना बड़ा आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज इसको ऐसे घुमाते रहिए। बिल्कुल पतला इसे कर लीजिए, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए फ्लेम हमने बिल्कुल लो टू मीडियम के बीच में कर रखी है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से कुक होने देंगे। मेरे पास तवा ज्यादा बड़ा नहीं था, तो इसलिए मैं ज्यादा बड़ा डोसा नहीं बना पाई। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा बड़ा तवा है तो आप इस पे फुल साइज का भी डोसा बना सकते हैं। लेकिन इतना डोसा बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है, बहुत इजीली बन जाता है ये। तो इसको अभी हम लो फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से कुक होने देंगे। एक तरफ से जो ये ऊपर जो हल्के हल्के से आपको ये नजर आ रहा है गीलापन, ये इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए ये। और आप देखिए इसमें कितने अच्छे से बबल से आ रहे हैं, और कितना अच्छा से ये इसमें से ये झाग से वो हो गए हैं, इसमें जाल पड़ गया है। इसका मतलब बैटर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। और ये देखिए ऊपर भी कोई इसमें गीला नहीं है, सब अच्छे से सूख गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल हम इसमें डालेंगे, और इसको अभी हम पकने देंगे। और ये देखिए डोसा पकना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इसने अपना ये एक साइड छोड़नी शुरू कर दी है। ये देखिए इसने डोसे ने बिल्कुल अपनी साइड छोड़नी शुरू कर दी, और ये देखिए इसमें कलर भी कितना बढ़िया आया है। अब इसके ऊपर हम फिलिंग लगा लेंगे। देखिए ये देखिए फिलिंग इसमें हमने लगा ली, अब इसे हम पलट देंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। और ये देखिए डोसा हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, और बाकी के डोसे भी हम ऐसे ही बना लेंगे। और ये देखिए सुपर क्रिस्पी आटे का डोसा बनके बिल्कुल तैयार है। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये आपने आटे से बनाया है, और ये इतनी जल्दी बन जाता है, और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा यम्मी भी है। तो मेरी इस रेसिपी को आप जरूर जरूर ट्राई कीजिए। गर्मा गर्म आटे डोसे को आप ब्रेकफास्ट में सर्व कीजिए, या बच्चों के लंच बॉक्स में दीजिए, लेकिन तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, क्योंकि सुपर क्रिस्पी है। ये देखिए ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी है ये। तो मेरी इस रेसिपी को आप जरूर जरूर ट्राई कीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।